अक्सर ऑटो या बस में सवारी करते हुए किराए के लिए खुले पैसे न होने के चलते हम 1 या 2 रुपए छोड़ देते हैं, यानी वापस नहीं मांगते हैं। लेकिन बेंगलुरु में एक आदमी को जब कंडक्टर ने 1 रुपया नहीं दिया तो कोर्ट ने उसे 2000 का मुआवजा दिलवाया है। दरअसल खुले पैसे ना होने के बहाने कंडक्टर ने यात्री को 1 रुपया देने से इनकार कर दिया था। यात्री ने उपभोक्ता कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने भी उपभोक्ता के प्रयास की सराहना की। मामले में कोर्ट ने बैंगलोर महानगर परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वो उपभोक्ता को 1 रुपया वापस करे और सेवा में कमी के लिए 2000 रुपए का मुआवजा दे। मुकदमा दायर करने की लागत के तौर पर भी 1000 रुपए का भुगतान करे। निगम को ये भुगतान 45 दिनों के अंदर करना होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। आज के स्टूडियो में उपभोक्ता अधिकार से जुड़े इस खबर के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि अगर दुकानदार खुले पैसे ना होने के चलते आपको छुट्टे वापस देने में आनाकानी करता है तो आप भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक बस कंडक्टर ने उपभोक्ता को उसका 1 रुपया देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 31 जनवरी के आदेश के तहत एडवोकेट रमेश नाइक एल द्वारा दायर एक शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया और निगम को निर्देश दिया कि वो उन्हें 1 रुपया वापस करें और सेवा में कमी के लिए मुआवजे का भुगतान भी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत निगम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। हम अक्सर सुनते हैं, पाई पाई जोड़कर ही आशियाना बनता है। आप भी 1-1 रुपया जोड़कर अपने भविष्य के लिए किसी योजना में निवेश कर सकते हैं, तो आखिर 1 रुपया भी क्यों छोड़ना। जब दुकानदार आनाकानी करे और खुले पैसे ना होने के चलते आपके हाथ में टॉफी थमा दे तो आप भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। जागो ग्राहक jago.gov.in या consumerhelpline.gov.in या टोल फ्री नंबर 1800114000 या 14404 पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 8130009809 पर आप मैसेज कर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। रकम चाहे कितनी भी बड़ी हो या 1 रुपए जितनी छोटी भी हो, आप चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कंज्यूमर कोर्ट इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो सोचते हैं कि शिकायत दर्ज कराने के बाद केस का खर्चा बहुत आएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि आपको केस का खर्चा शुरुआत में तो खुद ही उठाना पड़ेगा, लेकिन मुआवजे के तौर पर आप कंपनी से केस के बाद इसे क्लेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिना वकील के भी खुद अपना केस लड़ सकते हैं। इसके लिए आप अपनी शिकायत को ई दाखिल पोर्टल पर दिए गए फॉर्मेट में रजिस्टर करें। आपको कंज्यूमर कोर्ट की मोशन हियरिंग की डेट जल्द मिल जाएगी। शिकायत की एक फिजिकल कॉपी लेकर 3 तारीख पर आप कोर्ट जाएं। कोर्ट आपके वकील को लेकर जब सवाल करे तो आप बता सकते हैं कि आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ने की फीस अलग अलग है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जागो ग्राहक jago.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।